तो हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से आई हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी युवा के बारे में, स्टारिंग युवा राजकुमार इन लीड रोल। दोस्तों यह मूवी 21 मार्च को रिलीज हुई थी, लेकिन इसको अभी हिंदी में डब करके अमेजोन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है, जिसको फाइनली मैंने देख लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या यह मूवी आपको एंटरटेन करती है, और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम और डाटा देना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी फोकस करती है युवा नाम के किरदार के ऊपर, जो कि कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वहां पर लोकल और हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के बीच में गैंगवार चल रहा होता है, जिसमें किसी एक खास कारण से अपना हीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है, और वह जैसे तैसे करके कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर भी लेता है। लेकिन भाई घर पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्या, और युवा उसको आखिर कैसे सोल्व करेगा, इसके लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ वेरी करती है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास। इन द मीन टाइम अगर इस मूवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो उसमें यही कहूंगा कि यह एक डिसेंट सी मूवी है, जिसको एक बार आराम से देखा जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को लीड कर रहा है युवा राजकुमार, जिससे वो इस मूवी से डेब्यू भी कर रहा है, और भाई साहब यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस तगड़ी देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनकी ये पहली फिल्म है। उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि उनके एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। उसने इस मूवी में कई सारे रोल प्ले किए हैं, जैसे एक स्टूडेंट, एक बेटा, एक डिलीवरी बॉय और यहाँ तक कि एक रेसलर का भी। और भाई यकीन मानिए कि सारे रोल में वो अच्छे तरीके से फिट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि इमोशन सीन में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक लग रही थी। भाई साहब अच्युत कुमार ने उनके पिता का रोल प्ले किया है, जिसमें वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो रहे थे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस मूवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना भाई, सबका काम ठीक ठाक था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों इस मूवी की USP है इसके एक्शन सीन, और भाई साहब इस मूवी में इस तरह के एक्शन देखने को मिलेंगे आपको, जिसको देखकर मैं तो हिल गया, क्योंकि यार एक्शन सीन की कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, और जिस तरह से उनको डिजाइन किया गया है ना, उसको देखकर आप सीटियां और तालियां मारने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। मूवी में एक पिता और एक बेटे के रिश्ते के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया गया है, और दोस्तों यह मूवी एक पिता और एक बेटे को ही डेडिकेट की गई है, जो कि लास्ट में पता चलता है। मूवी टेक्निकली भी वेल मेड है, मूवी की सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है, जिसे देखकर आपको मजा आएगा। और भाई इस मूवी के जो डायलॉग है ना, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, स्पेशली दारू वाला डायलॉग, जब युवा बोलता है ना अपने जीजाजी को कि भाई कुछ लोग दम दिखाने के लिए पीते हैं, कुछ लोग इसको पीकर दम दिखाते हैं वगैरह वगैरह, वो डायलॉग मुझे काफ़ी पसंद आया भाई साहब। और दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है ना, वो एकदम सिंपल है, लेकिन इस मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है ना भाई साहब, उसे देखकर आपको मजा आएगा, जिसमें KGF के रोकी भाई की वाइब जरूर आएगी। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी, और उसकी हिंदी डबिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा मैं इसके BGM को, मूवी का BGM काफ़ी दमदार दमदार और दमदार है, जिसे सुनने में मजा जाता है भाई साहब। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस मूवी में कई सारी खामियां भी है। नंबर 1 पे इसकी कहानी, मूवी की कहानी एकदम सिंपल है, जिसमें कोई भी बड़ा ट्विस्ट एंटर्स देखने को नहीं मिलेगा आपको, और ना ही है मूवी कुछ नया प्रेजेंट कर पाएगी, और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आखिर मूवी किस दिशा की ओर जा रही है, क्योंकि यार हर 10-15 मिनट में मूवी अपने मेन टॉपिक से जंप कर रही थी, क्योंकि यार फर्स्ट हाफ में तो कॉलेज का गैंगवार वगैरह दिखाया जाता है, और सेकंड हाफ में कई सारे फेस देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी में, जैसे उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, उसकी डिलीवरी बॉय की नौकरी, और फिर लास्ट में एक रेसलर वाला एंगल। मतलब कि ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती है, और आप इस कहानी के साथ अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। और दोस्तों इस मूवी की जो लेंथ है ना, उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए था, उसको 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे के आसपास में ख़त्म कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इससे मूवी थोड़ी और क्रिस्प बन सकती थी। दोस्तों बातें तो और भी करने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ बोलूँगा तो मूवी स्पॉइल तो हो जाएगी, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑल इन ऑल यह एक मस्त इंटरटेनिंग मूवी लगी मुझे, जिसको एक बार आराम से देखा जा सकता है। अब बात आती है कि मूवी को क्यों देखें। देखो भाई बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्शन एक्शन और एक्शन पसंद है, और कहानी आपके लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, मूवी में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी आराम से इन्जॉय कर सकते हो। स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस के लिए मैं दूंगा इस मूवी को 3.5 out of 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू युवा मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।